नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक और वक्त है राजस्थान मुद्दा का। जी हां, लगातार हम बात कर रहे हैं मुद्दों की, तो इसमें एक बड़ा मुद्दा है शराब। शराब पाप की जननी है। आए दिन शराब के नशे में जघन्य अपराध होते हैं। सबसे अधिक महिलाओं और बच्चों को शराब के कारण हिंसा का शिकार होना पड़ता है। पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा ने शराबबंदी की मांग को लेकर अनशन किया और इस मांग को लेकर अपने प्राण तक त्याग दिए। प्रदेश में संपूर्ण शराबबंदी लागू करने व सशक्त लोकायुक्त बनाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर जस्टिस फॉर छाबड़ा और कई संगठनों ने कई बार मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश में महिलाएं पूर्ण रूप से शराबबंदी चाहती हैं, लेकिन सरकार है कि सुनती ही नहीं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो कि है शराबबंदी की मांग। देश भर में शराबबंदी की मांग लगातार जारी है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी जारी है। वहीं कई राज्यों में तो शराबबंदी लागू कर दी गई है, लेकिन राजस्थान में भी यह मांग पिछले कई वक्त से चलती रही है। देखिए रिपोर्ट। देश में गुजरात, नागालैंड, मिजोरम और बिहार सहित चार राज्यों में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है, जहां शराब पीने और बेचने पर कड़ा कानून बना हुआ है। इसी तर्ज पर राजस्थान में भी शराबबंदी की मांग पिछले कई दिनों से उठाई जा रही है, लेकिन पब्लिक के प्रयास हर बार विफल हो रहे हैं। इसी को लेकर प्रतापगढ़ के दरियाबाद में महिलाओं ने शराबबंदी की मांग को लेकर शराब माफियाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मेरे पास में दुकान खुली शराब की, तो सब दूर ऐसे ही परेशानी हो रही है। गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, गाला गलौज, लड़ाई झगड़ा करे। मेरे पास में मेरा मकान पड़ता है, खड़ा खड़ा भाभी साहब मेरे लिए पैसा करता है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए शहर की सैकड़ों महिलाओं ने एकत्रित होकर शराब ठेकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और प्रदेश में पूर्ण रूप से शराब बंदी की मांग की। शहर के लसाडिया चौराहे पर शराब की दुकानों के सामने महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और रैली निकाल कर उपखंड अधिकारी वर सिंह गर्सिया को ज्ञापन देकर शराब ठेका हटाने और नगर में समस्त संचालित ठेकों की जांच करने की मांग की। मैं रहती हूँ कॉलोनी में और वहाँ मेरे घर के पास दुकान है दारू की और सब पीने आते हैं और हम बाहर निकलते हैं, हम छोटे मोटे बच्चे भी हैं हमारे और वो झगड़े गाली देते हैं खराब खराब और बोतलें फोड़ते हैं और शाम को 12 बजे तक रहते हैं। ज्ञापन में महिलाओं ने बताया कि शराब के कारण उनके ऊपर अत्याचार बढ़े हैं। शाम के समय कस्बे में शराबियों का जमावड़ा रहता है। शराबी तत्व स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों और कॉलोनी की महिलाओं पर फब्तियां कसते हैं और अश्लील व्यवहार करते हैं, जिसके बाद गुस्साई महिलाओं ने शराब ठेकों को शहर से हटाने की मांग को लेकर विरोध किया। वहीं महिलाओं ने शराब ठेकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए आबकारी विभाग पर शराब माफियाओं से मिलीभगत के आरोप लगाए। उनका कहना है कि मिलीभगत से शहर में अवैध रूप से संचालित है, जिसके कारण महिलाओं पर अपराध बढ़ा है। प्रदेश में शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि ठेके में शराब बैठकर पीने की जगह तक बना रखी है, जबकि शराब दुकान में बैठकर शराब पीना नियमों के विरुद्ध है। प्रदेश में पहले भी शराबबंदी को लेकर कई बार धरने प्रदर्शन किए गए, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रह पाई। ऐसे में महिलाओं ने शराबबंदी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। न्यूज इंडिया के लिए धरियावाद से हितेश पालीवाल की रिपोर्ट। तो शराबबंदी की मांग राजस्थान में भी लगातार उठती रही है। चलिए इस वक्त हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने जो आपको रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, हमारे संवाददाता ने इन चीजों को जानने की भी कोशिश की है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त प्रतापगढ़ से जुड़ गए हैं। रितेश, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि महिलाएं इस तरीके से सड़कों पर उतर रही हैं, ज्ञापन सौंप रही हैं कि शराबबंदी की जाए, तो इसके बाद प्रशासन की ओर से क्या कुछ रुख देखने को मिला है? हितेश। हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ कि धरियाबाद में अंग्रेजी शराब की दुकान नंबर 2 नसर चौराहे मोना रोड पर संचालित है, जिसके विरोध में
मोहल्ले की महिलाओं ने धरना प्रदर्शन कर उपकर अधिकारी भरत सिंह ग्रसे को ज्ञापन दिया। इधर इस कार्रवाई के बाद आबकारी थाना के SCI रमेश चौधरी मर जाप्ता गया पहुंचे, जहां दुकान का मौका मुआयना किया, जहां विभागीय मापदंड अनुसार नहीं पाने जाने को लेकर दुकान बंद करा दी गई एवं अन्य लोकेशन पर दुकान खोलने का पाबंद किया गया। तो हितेश, जो महिलाओं ने ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन पर अगर कार्यवाही की हम बात करें तो वो क्या कुछ हुआ है अभी तक? ज्ञापन में महिलाओं ने बताया कि यहाँ पर आसपास आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है और महाविद्यालय खुला हुआ है, तो आए भी मतलब शराबी शरारते करते हैं, उनको परेशान करते हैं, जिसको लेकर महिलाओं आक्रोशित हो गई और उन्होंने मौके पर जाकर बाइक शॉप दुकान बंद करवाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हितेश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो शराबबंदी की मांग जो है वो राजस्थान में उठने लगी है, महिलाएं SCM तक पहुंच रही हैं, SCM कार्यालय पहुंचती हैं और ज्ञापन सौंपती हैं कि शराब की वजह से जो शराबी हैं वो परेशान करते हैं और इसकी वजह से महिलाओं को परेशान होना पड़ता है और इसी वजह से राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी की जाए। तो शराबबंदी की मांग सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में उठती रही है और कई राज्यों में तो शराबबंदी लागू भी है। चलिए, कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ हालात हैं हमारे देश में शराबबंदी की मांग को लेकर के। देश के 4 राज्यों में इस वक्त पूर्ण रूप से शराबबंदी है, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम और ये बिहार ऐसे प्रदेश हैं जहां पर शराबबंदी पूरी तरीके से लागू की जा चुकी है। बिहार में हम आपको बता दें कि ठीक दो साल पहले तकरीबन ये शराबबंदी लागू की गई थी, बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लागू किया था और राजस्थान में अब जाकर के एक बार फिर से शराबबंदी की और वो भी पूर्ण शराबबंदी की मांग उठती रही है। पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा जो हैं वो लगातार अनशन करते रहे, विरोध प्रदर्शन करते रहे और इसी में उनकी मौत भी हुई थी और उन्होंने पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर के एक मुहिम छेड़ रखी थी। अनशन के कारण छाबड़ा के प्राण तक चले गए थे। ये बड़ी हकीकत है कि राजस्थान में शराबबंदी की मांग करते हुए पूर्व विधायक की मौत भी हो गई थी। छाबड़ा की मांग को लेकर उनकी बहू पूजा छाबड़ा अब पूरी तरीके से मुहिम चला रही है पूरे राजस्थान में ताकि शराबबंदी लागू की जाए, लेकिन फिलहाल इसका असर जो है वो सरकार पर होता हुआ नहीं दिखा है क्योंकि ये जो शराबबंदी की मांग है वो लगातार उठती रही है। प्रतापगढ़ के धारियावाद में भी अब इसकी मांग उठी है और महिलाओं ने जो है SDM को ज्ञापन सौंपा है। तो आबकारी विभाग देखना अहम होगा कि वो क्या कुछ करता है क्योंकि आबकारी विभाग पर कई तरीके के आरोप लगे हैं, शराबबंदी लागू नहीं की जा रही है, इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन जो है वो राजस्थान में शुरू हो गए हैं। धारियाबाद में हमने आपको दिखाया क्योंकि 4 राज्य अभी जो हैं वो पूरी तरीके से शराबबंदी वहां पर लागू हैं। बिहार, नागालैंड कुछ ऐसे राज्य हैं, गुजरात, जहां पर शराबबंदी लागू है और इसी तरीके से शराबबंदी लागू करने की मांग की जा रही है। चलिए, आपको कुछ और तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि कॉलोनियों में चल रहे शराब के ठेकों से आम लोगों को खासा परेशानी हो रही है। उदयपुर में भी भटियानी चौहट्टा इलाके में आवासीय कॉलोनी में शराब का ठेका चल रहा है और इससे लोग परेशान हैं। शराब ठेके को हटाने के लिए संघर्ष महिलाएं कर रही हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक जोशी ने वहां का जायजा लिया, चलिए वो दिखाते हैं।
शराब एक ऐसा नशा है जो किसी को हो जाए तो उसकी ज़िंदगी खत्म ही होती है। महिलाओं ने हमेशा से ही शराब पीने वाले लोगों को सुधारने का प्रयास किया है। आज हम बात करेंगे उदयपुर के भटियानी चौहट्टा स्थित ऊँटों के कारखाने पर बने एक शराब के ठेके की। एक तरफ शराब का ठेका है और दूसरी तरफ एक आवासीय कॉलोनी है, और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो किस तरह से इस शराब के ठेके से परेशान है, यहाँ से आने जाने वाले लोगों से किस तरह से अभद्रता की जाती है, किस तरह से उनसे अश्लील हरकतें की जाती है, आइए हम बात करते हैं कुछ जागरूक महिलाओं से जो आज हमारे साथ हैं। ये लोग दारू पी के रस्ते में सो जाते हैं और महिला जो निकल नहीं सकती है और इतनी गंदी गालियां देते हैं और महिला को कह देते हैं कि ये कहाँ जा रही है न, ये इधर आन, इस तरह का उनका अभद्र व्यवहार है। आपने इसकी शिकायत किसी से की या नहीं की अभी तक? हमने गुलाब जी भाई साहब के पास गए और हमने कहा कि भाई साहब ये ठेका जो है इसको हटाया जा, तो उन्होंने कहा पुलिस वाले लगा देंगे। पुलिस वाले तो यहाँ 24 घंटे रहते नहीं, और यहाँ पे जो महिला ने कहा कि भाई आप भाई साहब ये ठेका उठवाओ, हम आपके ही हैं, तो भाई साहब ने कहा धमकी दे रही है क्या, क्या नाम है जो धमकी दे रही है मेरे को, तेरा वोट कूड़े में डाल। गृह मंत्री कटारिया के गृह क्षेत्र में जब यहाँ की महिलाओं ने उनसे इस समस्या का निराकरण करना चाहा तो गुलाब जी ने एक आक्रोश में आकर एक इतना बड़ा बयान दिया है कि अपने वोट को कुएं में डाल दो। बात करते हैं यहाँ की कुछ और महिलाओं से कि उनको किस तरह की समस्या है छोटे बच्चों को लेकर। यहाँ पे जो वाइन शॉप है, जब हम बच्चों को लेने जाते हैं तो बच्चों का इंतज़ार करते हैं, तब अगर उन्होंने पी हुई हो या नहीं पी हुई हो तो वो महिला को देख के ही आधे तो नशे में आ जाते हैं, तो हमें हटना पड़ता है उनकी वजह से। और ये वाइन शॉप की वजह से काफ़ी महिलाएं दुखी, और बच्चियाँ तो अकेली आ ही नहीं सकती हैं क्योंकि बच्चियों का आना असंभव है। कभी भी कुछ छेड़छाड़ कर दें, कभी भी हम तैयार होकर नहीं निकल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारा बस यही कहना है कि टेंडर अगर है तो आप यहाँ से हटा दीजिए, कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। हाईवे के लिए होती है वाइन शॉप, यहाँ के लिए नहीं होती। ये घरेलू मकान है यहाँ पर सबके, और सभी आना जाना करती हैं। यहाँ की महिलाओं का कुछ ये भी कहना है कि यहाँ पर जब जिस समय में इन ठेके का टेंडर दिया जाता था उस समय यहाँ पर आवासीय कॉलोनी कम थी, यहाँ रहने वाले लोगों की जो संख्याएं थी वो कम थी, इस वजह से यहाँ पर ठेका दिया गया था। लेकिन अब और उस परिस्थिति में काफ़ी अंतर है, जब यहाँ पर आवासीय लोग, आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कॉलोनी बनी हुई है, किस तरह से लोग बाग यहाँ पर रह रहे हैं, और एक दिशा यह है कि यहाँ पर इतनी संख्या में जो बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, कॉलोनी बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर हम आपको विजुअल्स में दिखाएंगे कि ये जो गली है यहाँ पर देसी शराब का ठेका बना हुआ है, और इस ठेके में जो लोग बाग यहाँ पर आते हैं शराब पीकर और अपना जो अभद्र व्यवहार करते हैं वो यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ की कॉलोनी के लिए एक परेशानी बन चुका है। और यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं, हम आपको बताएं कि जब छोटे बच्चों का स्कूल की छुट्टी होती है तो उनको यहाँ पर ऊपर आने में काफ़ी परेशानी होती है। एक महिला से हम यहाँ पर और बात करते हैं। इस मोहल्ले में जो औरतें हैं या बच्चे, बड़ी लड़कियां या बहुएं अकेली आ नहीं सकती है, जो आती है तो वहाँ पी के खड़े रहते हैं और उनको आवाज लगाते ये करते रहते दिन भर, और वो गाड़ी अभी भी खड़ी है और वो शराब पी रहे हैं। और कटारिया जी को बोला तो कटारिया जी ने कहा ठेका यहीं रहेगा, और 5 साल से ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। उन्होंने कहा नया ठेका हो गया तो कैसे हो गया, 5 साल से उनको कह रहे फिर नया कैसे हो गया। आप क्या चाहते हैं सरकार? हम ये चाहते हैं कि यहाँ से ठेका हटाया जाए और कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। उदयपुर के भटियानी चौहट्टा स्थित ऊँटों के कारखाने के हालात हमने आज आपको बताए हैं, और अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता की समस्या का निराकरण क्या सरकार कर पाती है या आगामी चुनाव तक भी ये स्थिति यथावत बनी रहेगी। सहयोगी रवि मल्होत्रा के साथ अभिषेक जोशी, न्यूज इंडिया, उदयपुर। तो ये हमने आपको हालात दिखाए उदयपुर के कि किस तरीके से वहाँ पे शराब की वजह से लोग परेशान हैं, कॉलोनियों में ठेके खुले हैं और महिलाएं, बच्चे, लड़कियां सभी परेशान हैं। पाली शहर में स्कूल कॉलेज के पास ही शराब के ठेके खुले हैं जिसको लेकर आमजन काफ़ी परेशान हैं। हम लगातार ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शराबबंदी की मांग जो है वो पूरे राजस्थान में उठने लगी है। चलिए हम आपको पाली लिए चलते हैं। पाली में हमारे संवाददाता कैलाश कुमार ने कई लोगों से बात की है और जानने की कोशिश की। हमारे संवाददाता कैलाश, आज हम खड़े हैं पाली में मडिया रोड की तरफ। हम पूछेंगे यहाँ की जनता को कि यहाँ शराब के बारे में जो ठेके खुले गए हैं कई स्कूलों के पास है, कई गली मोहल्लों में, उनके बारे में पूछेंगे इस पाली की जनता से। आप कहना चाहेंगे? शराब के ठेके हमारे स्कूल के आसपास में खुले हुए हैं, जहाँ पे कई लोग
शराब पी के आसपास में बैठे रहते हैं। जब हम इधर उधर निकलते हैं तो वो कुछ बोलते रहते हैं, शोर शराबा करते रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो इसके बारे में यही कहना है कि मैं एक पार्षद होने के नाते हमारे वार्ड में काफ़ी गली मोहल्लों में ठेके खुले थे, जिससे हमने जो मोहल्ले के जो भी निवासी हैं जिनको काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो उन्होंने सब एक राय होकर के हमने हड़ताल की, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया और वहाँ के ठेके हटवाए। आप कहना चाहेंगे सर? कई बार लिख के भी और छुड़ी हुई है आज तक, और गली गली में ठेके खुले हुए। कुल मिला के ये कहना है पाली की जनता का कि गली मोहल्लों में शराब के ठेके खुले गए, शराब की दुकानें हैं, और स्कूलों से मात्र देखा जा रहा है। पाली जिले में सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूलों के पास मात्र 150 मीटर 200 मीटर के अंदर शराब के ठेके लाए जा रहे हैं, और आबकारी और पुलिस विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उनको कई बार ग्रामीणों ने धरने प्रदर्शन किए, किसी प्रकार कुछ भी है, मगर उनके कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। तो कान पे जू नहीं रेंग रहे हैं अधिकारियों को, पुलिस को, प्रशासन को, आबकारी विभाग को अगर इसकी जानकारी दी जा रही है, तो बावजूद इसके इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल कॉलेज के पास ही शराब के ठेके जो हैं वो खोल दिए जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात जो हैं वो कोटा में भी बने हुए हैं। कोटा में भी शराबबंदी के बारे में आमजन से लोग, जब हमारे संवाददाता ने जानने की कोशिश की, तो उनकी एक ही मांग है कि कोटा में भी नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में शराबबंदी लागू की जाए, क्योंकि शराब की वजह से बहुत सारे ऐसे जघन्य अपराध जो हैं वो हमारे देश प्रदेश सभी जगहों पर होते रहे। हमारे संवाददाता ने कोटा में भी कुछ लोगों से बात की और जानने की कोशिश की है, चलिए वो आपको दिखाते हैं। शराबबंदी की मांग को लेकर कई राज्यों में आवाजें उठी और परिणाम स्वरूप कई सरकारों ने शराबबंदी लागू कर दी। गुजरात में कई वर्षों से शराबबंदी है, बिहार ने भी लागू की। अब राजस्थान की बात आती है तो यहाँ के लोगों का क्या मानस है शराबबंदी को लेकर, आइए हम कुछ लोगों से पूछते हैं। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, राजस्थान में क्या शराबबंदी होनी चाहिए? होना चाहिए, शराब पूरी चीज ही है। इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है अभी शराब से? घर परिवार बर्बाद हो रहा है, बच्चों को बुरी आदत लग रही है, गलियों में घूमते रहते हैं, सामाजिक वातावरण बिगड़ता है, सामाजिक वातावरण खराब होता है। आपसे पूछना चाहूंगा कि शराबबंदी होने से राज्य को क्या फायदा हो रहा है, आम लोगों को क्या फायदा हो रहा है? सबको स्थान में शराबबंदी बंद हो, इससे आम आदमी, बच्चे, बूढ़े सबको लत लगी हुई है, और लत इतनी खराब होती जा रही है कि दिन पे दिन घर बर्बाद हो रहे हैं। आज कारीगर अपना कमाई करके लाता है, एक दिन की मजदूरी 400-500 रुपए, 300 रुपए दारू वाले को दुकान पे दिया है, 200 रुपए में 1 किलो आटा लाकर घर का खर्चा चला लेता, फिर अगले दिन की वही उनकी समस्या है। विभाग और पुलिस विभाग की क्या जिम्मेदारी है जो अवैध शराब बिकते या जिस तरह से शराब से माहौल खराब होता है? शराब से माहौल तो इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि डिपार्टमेंट इसको समय पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। मुझे एक चीज बहुत अजीब लगी कि शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं पिछड़ापन इससे शराब से पैदा हुआ है, क्योंकि जो मध्यम वर्ग परिवार की है या फिर पिछड़ा वर्ग परिवार है वो कहीं ना कहीं कमा कर पैसा तो लाता है। सर, मजदूर वर्ग ज्यादा इसको पी रहा है, तो मजदूर वर्ग जितना कमा के लाता है उसमें से 50% तो इसी चीज पे खर्च कर देता है, फिर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, उनके बीवियों से लड़ाइयाँ होती हैं, सिर्फ इसी वजह से होती हैं कि आप जो पैसा कमाते हैं वो जाता कहाँ है। तो मेन ये है कि शराबबंदी होना ही चाहिए, लोगों का भला करें। सरकारें शराब बेचे, इसके लिए आबकारी विभाग बनाए, लोगों से वसूली करें, इसके लिए देश आज़ाद नहीं हुआ था। वो आदमी जो आज़ाद हुआ अंग्रेजों से, फिर नशे का गुलाम बन गया, तो फिर आज़ादी का फायदा कहाँ मिला? शराब एक गलत ही पदार्थ, मतलब सेवन है, जो आदमी को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता है, और उसमें मतलब जो भी अपने परिवार के सदस्य होते हैं वो भी परेशान होते रहते हैं, क्योंकि एक बहुत ही हानिकारक वस्तु है सर, सेवन करने की चीज़ है। तुरंत प्रभाव से शराबबंदी लागू करनी चाहिए, इससे हमारे देश की गरीबी मिटेगी, लोगों में विश्वास बढ़ेगा, महिलाओं में जो अत्याचार हो रहा है वो ख़त्म होगा और हर जगह खुशहाली आएगी। ये थे कोटा के लोगों के राय, जिनका कहना शराबबंदी लागू होने से आम आदमी का विकास होगा, जो लोग शराब पीते हैं उनका परिवार खुशहाल होगा, अगर शराब नहीं मिलती तो उनका परिवार खुशहाल होगा, बच्चे पढ़ पाएंगे, उनका स्वास्थ्य जो खराब होता शराब पी के उस पर सुधार आएगा। इस वक्त सहयोगी हेमंत के साथ संजय दत्ता, न्यूज इंडिया, कोटा। तो ये थे हमारे संवाददाता संजय दत्ता, जो कोटा के लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर
क्या वजह है कि लोग शराबबंदी चाहते हैं और शराब से किस तरीके की परेशानियां हैं। लोगों का यहां तक मानना है कि आज़ादी तो हमें मिल गई अंग्रेज़ों से, लेकिन उसके बाद हम शराब के गुलाम हो गए और आज जगह जगह शराब की दुकानें खुली हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और शराब की वजह से आए दिन कई ऐसी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, कई जघन्य अपराध होते हैं। जिसको रोकने की ज़रूरत है तो हमें उसे रोकने के लिए शराब को बंद करना होगा। अजमेर के ब्यावर में भी कई ऐसे शराब दुकान खुले हैं जिसकी वजह से आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और लोग ये चाहते हैं कि इन शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाए। अगर ठेका जो है वो जिन लोगों को भी दिया गया है तो बावजूद इसके इन ठेकों को जल्द से जल्द बंद किया जाए। हमारे संवाददाता ने ब्यावर में भी जगहों पे जानने की कोशिश की कि आखिर शराबबंदी क्यों उन्हें चाहिए और शराबबंदी क्यों जरूरी है। चलिए वो आपको दिखाते हैं। शराब की दुकानों के विवाद को लेकर यहाँ के स्थानीय नागरिक है, उन लोगों से जानना चाहेंगे आखिर में किस तरह की समस्याएं हैं या यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, क्या नाम है माता जी आपका? कमला देवी। क्या मामला है सारा? ये शराब पी पी के गालियां गुप्ता बोलता है बहुत, यहाँ रोड पे पड़े रहते सारी रात। तो आप लोगों ने क्या करा, आंदोलन किया कुछ? आंदोलन तो हमने किया नहीं। क्या कहा फिर? बोला के अभी नहीं लगाओ पर लगा दिया ये तो। और क्या कहना है, यहाँ पे अगर नहीं हट रहा है तो आप लोगों का क्या मानना है? तो हमारा तो आपको यही निवेदन है साहब, यहाँ से हटाओ। हमारा तो सुनने भी बू बेटी बिंदियों हारी होने अनसन बोले न, रात भर यहाँ पड़े रहे तो मैं तो अकेला घर बताओ। लोग आखिर में किस बात को लेकर यहाँ पर विरोध जता रहे हैं आप लोग? दारूडिया गालियां गलौज बोले, कोई आवे जावे तो परेशान करें, परेशान करे गालियां लुगाइया देखे गालियां बोले, कोई बापड़ी बह नहीं सके हटे। मैं पानी पीने कोई लुगाइया एकली दोकली टी आगे आवे भाई आगे दारूडिया बैठा है। तो आप लोगों ने आंदोलन किया था? हाँ। तो क्या हुआ उस आंदोलन में? कहीं नहीं हो। तो सरकार ने क्या कहा यहाँ पर जो आप ज्ञापन देने गए थे? गयो के हट जाए न, कोई आई है न कोई बात, कोई नहीं गयो। एमएलए साहब से बात किया? एमएलए वाले गाजीपुरा वाला बात की दियो कि भैया तो दारू वाले की दुकान तो रही, आप लेने क्यों जाते हो? कुल मिलाकर यहाँ की जो महिला हैं वो ये कह रही हैं कि जब यहाँ की समस्या को लेकर हम क्षेत्रीय विधायक के पास पहुँचे या इस प्रशासनिक अधिकारी के पास पहुँचे तो उन लोगों का सीधा जवाब था कि आखिर में जब शराब की दुकान है तो शराब को लेना बंद कर देंगे तो शराब के दुकानदार अपनी दुकानें छोड़ के भग जाएंगे। यहाँ पर एक और हमारे यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे आखिर में क्या मामला है सर। क्या मामला है सर? समस्या सर यही है कि हमारे औरतों के सामने कोई पैसा करता है, कोई क्या करता है, गाली गलौज करते रहते हैं। इसीलिए सर अब की बार हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, आबकारी विभाग को ज्ञापन दिया था, आबकारी विभाग ने बोले अब की बार नहीं लगेगा ठेका। हमने ये भी बोला कि 7 किलोमीटर दूर है, 8 किलोमीटर दूर है ग्राम पंचायत दुकान, अपने ग्राम पंचायत में ले जाए। तो एक ठेका वहाँ भी खुल रखा है, एक यहाँ भी खुल रखा है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कितनी ब्रांचें खुली हुई है या कोटड़ा ग्राम इसकी? काबरा पंचायत की ब्रांच है तो काबरा में है सर जी, और किशनपुरा वाला का पता नहीं अपन को किशनपुरा में कितनी दुकान है। और दो पड़ोस पड़ोस में हमारे तो यही निवेदन है कि दो पड़ोस पड़ोस में ठेका होना ही नहीं चाहिए, ये किशनपुरा वाला किशनपुरा में चला जाए और काबरा वाला काबरा में चला जाए, इनसे हम तो संतुष्ट है। और मुख्य कारण जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पर न्यूसेंस करते हैं, पीने के बाद में जिस तरह से झगड़ा फसाद करते हैं, पेशाब गाली गलौज इस तरह की जो सारी देखी जाती है वो क्या है सर? सर जी इन ठेका के सामने मेरी दुकान है, मेरी औरत के सामने कई बार पेशाब कर करके सामने मुता सर जी, ये मेरे को भी नहीं बताया था, बोले झगड़ा हो जाएगा और दारू पीकर का इधर पड़ा रहता है वहाँ पड़ा रहता है सर जी, इधर बम्बूल में उधर चले जाते हैं। आपने इस बात को लेकर शिकायत की, क्या कहा सर? विधायक साहब ने तो सुनने में आया कि बोले दारू की दुकान पे आप खरीदो मत तो नहीं लगेगा, और गई साल तो विरोध करते रह रहे, बोले ठेका नहीं लगना चाहिए, शिकायत करता रहता, लेकिन हो सकता है विधायक साहब की आगे कोई प्रशासन ने नहीं सुनी हो सर जी। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि शराब की दुकानों के लिए पहले से काफ़ी समय से प्रयास करते हैं कि यहाँ पर किसी न किसी तरह से यहाँ दुकानें ना लगें, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर दुकानें लग चुकी हैं। इस मामले को लेकर विधायक शंकर सिंह रावत के पास भी पहुँचे, लेकिन वह भी इन दुकानों को हटा पाने में नाकाम रहे। ब्यावर से न्यूज़ इंडिया के लिए प्रकाश पाठ के साथ विष्णुदत्त धीमान। तो ये बड़ी हकीकत है कि राजस्थान में आपको दवाइयाँ आसानी से नहीं मिल सकती हैं, लेकिन शराब बहुत आसानी से उपलब्ध है और उसी शराबबंदी की मांग जो है वो राजस्थान में लगातार की जा रही है। तो ये ज़रूरी है कि शराब
बंदी जिस तरीके से मांग महिलाएं कर रही हैं, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी है, तो इस ओर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है, आबकारी विभाग को भी ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल आज के इस मुद्दा में इतना ही। आप देखते रहे न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।